أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعزائي السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अहजुल बलागा के हवाले से पिछले एपिसोड में हमने मुत्तकीन की सिफात के हवाले से इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमलात दर्ज किए थे। मौला ने फरमाया था कि मुत्तकीन की सिफात में से एक सिफत यह है कि जब वो रात होती है तो वो अपने आप को अल्लाह सुबहानहू व तआला की इबादत के लिए हमेशा तैयार रखता है। फिर मौला फरमाते हैं कि उनकी एक अलामत ये होती है कि वो अपने दीन में मुस्तहकम होते हैं, यानी वो अपने दीन में डामाडोल नहीं होते, उनका ईमान पुख्ता होता है, उनका यकीन इस्तवार होता है और फिर वो इबादत में इज्ज़ो इनकसारी करते हैं। यानी मोमिन की सिफत मौला बता रहे हैं, मुत्तकीन की सिफात बयान कर रहे हैं कि मुत्तकीन अफराद वो हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा इबादत भी करते हैं तब भी उनकी इबादत में इनकसारी नज़र आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान थोड़ी इबादत कर लेता है तो उसके अंदर एटीट्यूड अकड़ और घमंड पैदा हो जाता है, लेकिन मुत्तकी अफराद वो हैं कि वो हजार रकत भी अगर नमाजें पढ़ लेते हैं तब भी अपनी इबादत को कलील शुमार करते हैं, बेहद इबादत करने के बावजूद भी अपनी इबादत को बेहद शुमार नहीं करते हैं, हमेशा अपनी इबादत को कलील और कम शुमार करते हैं। फिर मौला फरमाते हैं कि मुत्तकी अफराद की सिफत में से एक सिफत यह है कि वो मुसीबत के वक्त में क्या करते हैं, सब्र का दामन नहीं छोड़ते हैं और यही मुत्तकीन की खास सिफात है कि जब वो मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर वो मुश्किलात में गिरफ्तार होने के बावजूद भी अगर अपने दामन में सब्र को नहीं छोड़ते हैं तो यकीनन वो मुत्तकी अफराद है। कभी कभी इंसान जब किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी जुबान पर ऐसे कलमात जारी हो जाते हैं कि जो उसे जेब नहीं देते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर, मुत्तकी अफराद वो हैं कि अगर मुश्किलात में गिरफ्तार भी हो जाए, ऐसे हादसात भी रूनुमा हो जाए कि जो काबिल बर्दाश्त ना हो, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में भी सब्र करते हैं, ऐसे हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते हैं। फिर मासूम फरमाते हैं कि मोमिन और मुत्तकी अफराद अगर अपना रिस्क भी तलाश करना चाहते हैं तो हलाल रिस्क तलाश करने की कोशिश करते हैं। दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, इंसान जिए जा रहा है हर चीज इकट्ठा करने के लिए, रुपया पैसा जायदाद प्रॉपर्टी बनाने के लिए, क्यों? ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसकी मंजिलत बढ़ जाए, उसकी वक़ात बढ़ जाए, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए लोगों के दरमियान। लेकिन मौला फरमाते हैं कि इंसान की हकीकत क्या है, जितना वो मुत्तकी होगा उतना उसका मेयार बुलंद होगा। क्या फरमा रहे मौला कि इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, तक्वाए इलाही है। ये दौलत, ये शोहरत, ये रुपया, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद यहीं की यहीं रह जाएगी, लेकिन अगर इंसान के साथ कोई शय जाएगी तो उसका अमल, उसका अखलास, उसका यकीन और उसका ईमान उसके साथ जाएगा। फिर मासूम फरमाते हैं कि मोमिन और मुत्तकी की सिफत ये हुआ करती है कि वो लालच और तमा से नफरत और बेताल्लुकी रखते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी कभी कभी इंसान ऐसा भी होता है कि अगर उसे किसी चीज़ की लत लग जाए, किसी चीज़ की आदत लग जाए, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे और मैसर आ जाए, ये मुझे और मिल जाए, ये मुझे और मिल जाए, लेकिन मुत्तकी अफराद वो होते हैं जो तमा और लालच से नफ़रत और बेताल्लुकी रखा करते हैं
और फिर मौला फरमाते हैं कि वो आमाल खैर अंजाम देने के बावजूद भी खौफ नजर आते हैं, यानी खौफ सदा नजर आते हैं। उनके अंदर एक ऐसा खौफ पाया जाता है कि वो अपने रब की जात से हर लिहाज से खौफ सदा होते हैं। फिर मासूम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि जब शाम होती है तो उसके पेश नजर अल्लाह का शुक्र करते हुए नजर आते हैं। यानी जब शाम होती है तो वो क्या करते हैं, अल्लाह सुबहाना व तआला का शुक्र अदा करते हैं। और सुबह होती है तो उनका मकसद ही ये होता है कि वो हर लिहाज से एक लहजे के लिए भी याद खुदा से गाफिल और फरामोश ना हो जाए। यानी सुबह होती है तब भी खुदा की याद में गुजर होती है, और जब रात और शाम होती है तब भी याद खुदा से गाफिल नहीं होते हैं। खुदा की याद हर लिहाज से उनके दिलों में हुआ करती है। और फिर मासूम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि अगर उसका नफ्स किसी नागवार सूरत हाल के बर्दाश्त करने से इनकार भी करता है तो वो अपने नफ्स की मनमानी नहीं करते। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, ऐसी कोई बात पेश आ जाती है कि जो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तब भी वो अपने नफ्स की पैरवी नहीं करते, अपनी नफ्स की मनमानी नहीं करते हैं। तब भी उनके दिल में एक बात रहती है कि इस वक्त भी मैं ऐसा कोई अमल ना कर दूं कि जिसके बाद मेरा खुदा मुझसे खफा हो जाए। और फिर मौला फरमाते हैं कि उनके लिए जो हकीकत है, उनके लिए जो असल है, वो क्या है, वो जावेदानी नेमतों में अपने आप को आमादा रखते, यानी आखिरत की नेमतों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उनको दार फानी की चीजों से कोई रग़बत नहीं हुआ करती है। यानी वो हमेशा से इस बात का यकीन अपने दिल में रखते हैं कि इस दुनिया में हर चीज अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हमें और आपको अता की है, लेकिन ये चीजें फना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चंद लहजे के लिए, चंद लम्हात के लिए हमारे पास ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। बजाते खुद इंसान खत्म हो जाएगा तो चीजों का क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी चीजों की तरफ उनकी आंखें ठहरी हुई होती हैं कि जो हमेशा रहने वाली है, जो जावेदानी है, और हमेशा वो अपने आप को आखिरत के लिए तैयार रखते हैं। फिर मौला फरमाते हैं कि उनको तुम हमेशा कौल और अमल में यकजा पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि उनकी जुबान पे कुछ है, उनके दिल में कुछ है। फिर मौला फरमाते हैं तुम उनको देखोगे तो उनकी उम्मीदों का दामन बहुत कोता होता है। यानी अगर वो उम्मीद भी वाबस्ता करते हैं तो हर एक से उम्मीद नहीं लगाते हैं, अगर वो अपनी उम्मीद भी बांधते हैं तो अपने खुदा बंदे मुताल से उम्मीदें बांधते हैं। और उनकी खताएं भी बहुत कम हुआ करती हैं, उनकी खताएं, उनकी लग्जिशें भी कम हुआ करती हैं। फिर मौला फरमाते हैं कि दिल मुतवाज़े और नफ्स क़ाते होता है, दिल उनका मुतवाज़े नज़र आता है और नफ्स उनका क़ाने, और ग़िज़ा उनकी बड़ी क़लील हुआ करती है। और फिर वो हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मुर्दा करते हैं, यानी कभी भी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते हैं, और उनका गुस्सा नापैद हुआ करता है। और अगर कोई इंसान उनसे बुरा सलूक करता है, अगर कोई उन पर जुल्म करता है तो वो उसे दरगुजर करते हैं, और अगर कोई उन्हें महरूम करता है तो उसके दामन को वो अताओं से भर दिया करते हैं। फिर मौला फरमाते हैं कि अगर कोई उनसे बिगाड़ता है तो फिर वो उसे बना दिया करते हैं, यानी अगर कोई उन्हें महरूम करता है, कोई उन्हें अता नहीं करता, तब भी वो उन्हें अता किया करते हैं, उनके दामन को भर दिया करते हैं। और अगर तुम उन्हें देखोगे तो उनकी ज़ुबान से कभी भी बेहूदा बातें नहीं सुनोगे, हमेशा उनकी बातों में नरमियत, अच्छाइयाँ और खूबियाँ नज़र आएंगी। मुत्तकी इनकी सिफात मौला ने बयान की है। आखिर में दुआ है मौला ऐसा नेक बना दें कि जिस तरीके से एक मुत्तकी को नेक होना चाहिए। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमें नेक आमाल अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।